सुबह का टाइम है, 11 बज गए हैं और नदी टपना पड़ेगा। देखो आए हाय, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। आज जा रहे हम यार दोस्त से मिलने सोलन, तो आपको भी दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं स्पेशल जगह में, तो वीडियो में बने रहिएगा आप। और आपको दिखाएंगे आज किधर जाएंगे, घूमने जाएंगे स्पेशल जगह में। तो और ये नदी टपना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं उधर से बाया रोड आता ना तो दोस्तों तो 2 किलोमीटर पड़ जाता है, तो नदी से मेरे नदी के साथ ही है मेरे घर। तो ये पार गांव टपना है और उसके बाद मैं अपने बाज़ार में। हाय हाय ठंडा पानी है, और सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 10। ओए होए सुन्न हो गया पाँव, क्योंकि यहाँ पे धूप भी नहीं लगी है, पाली साइड को तो धूप है। और अभी मैं पार, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन है, अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आ गया मैं दोस्तों। जैसे ही नदी पार करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। चलो दोस्तों मैं यहाँ पे देखो, सारे नदी टॉप करना, यहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं, मतलब कपड़े लगाते हैं, क्योंकि जीन की पैंट टाइट रहती है। तो ये रख दिए नीचे जूते, तो चलो मैं पहनता हूँ कपड़े, फिर करते हैं आपसे बात। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HP12 वाली GT रोड लाइफ में। दोस्तों मैं घर से निकल पड़ा हूँ और सुबह के बज गए हैं 10। तो आज जा रहे हैं हम सोलन, तो अपने दोस्तों से मिलेंगे, और हमारा प्लान है कहीं जाने का। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको एंड तक जरूर देखिएगा कहाँ जा रहे हैं हम आज, तभी पता लगेगा आपको। और मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर हो गया हूँ अभी, और नदी पार है डिस्ट्रिक्ट सोलन, और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हूँ। तो अभी नदी पार कर ली है, तो जा रहे हैं भाई बस में जाएंगे, क्योंकि अपने जो गांव के फ्रेंड लोग हैं भाई, अजय भाई जिनके पास कार है, वो जा रहे हैं नीचे चंडीगढ़, तो इसलिए भाई बस में जाना पड़ेगा, नहीं तो अजय भाई को अर्जेंट काम पड़ गया, नहीं तो कार लेके जाते। तो क्या बोले भाई, सबके अब अपने काम है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं सीधे आगे। चलो थोड़ा सा आपको रास्ता दिखा देता हूँ कहाँ से आ रहा हूँ मैं। और देखो पार है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन और हमारा गांव, और ये देखो नदी वार, और ऐसे रास्ते से आया मैं। तो अब इस टाइम है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मैं। ये भी देखो भाई, ऐसी चढ़ाई चढ़ के अभी आगे आ जाएगा प्लेन एकदम, और वो पानी जा रहा है देखो, ऐसे लाइन देखो वो जा रहा है देखो ऊपर तक। यहाँ से देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा गांव, देख सकते हो, और ऊपर को सामने पहाड़ियाँ बहुत ही प्यारी। दोस्तों पूरी नदी टपके चढ़ाई टपके देखो यहाँ पे आ गया प्लेन, और यहाँ पे है खेत, बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों यहाँ का भी, देख सकते हैं आप लोग। और इधर को भी देखो, ये जितने भी नदी से पार को है ना दोस्तों, तो सारे सोलन डिस्ट्रिक्ट है। और वो आ रही है शिमला से नदी, वो वाली सामने, वो शिमला से आ रही है, और ये आ रही है ऊपर कोटखाई से गिरी गंगा, और ये है असनी खड्ड, इसको बोलते हैं असनी खड्ड। तो यहाँ पे इनका मिलाप होता है नीचे सामने, तो यहाँ पर दोनों एक हो जाती है और फिर जाती है आगे को, तो इसको नदी को बोलते हैं गिरी गंगा नदी। और पार पहाड़ों का भी देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। इधर का भी घर है देखो, पहाड़ियाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा गांव और साथ की पहाड़ियाँ, जो कि बहुत ही प्यारी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों सुल्तानपुर, यहाँ पे है हनुमान जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही प्यारी है। Thank you.
हैं नैना टिक्कर और हम जा रहे हैं आज भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो रोहित भाई जा रहे हैं हमारे साथ, इनका चैनल भी है नेचुरल देसी ब्लॉग। तो भाई साहब को रिक्वेस्ट करी थी मैंने कि भाई आप लोग तो घूमते रहते हैं सब जगह, मुझे भी घुमा दो। तो आज इनकी स्कूटी लेके जा रहे हैं हम, तो इनसे मिलाते हैं। देखो खड़े है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाते हैं आपको एरिया। तो ये हमारे बड़े भाई साहब, इनका चैनल है नेचुरल देसी ब्लॉग, तो इन्हें भी आपने सपोर्ट करना है। तो इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक चैनल का, तो वहाँ से भाई फॉलो कर लेना, है कि नहीं रोहित भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे गांव के ही है, बुशिंग महादेव के वीडियो दिखाएंगे सबको, वहाँ के दर्शन करवाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, तो आपको दर्शन कराएंगे भोलेनाथ जी के। चलो आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं, हमारे और भी फ्रेंड्स मिलेंगे अभी। हाँ, अभी दो फ्रेंड्स आगे हो रहे हैं हमारे, वो आगे चले गए, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे शूट करने के लिए रुक गए हैं। चलो दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू, पहाड़। और देखो यहाँ का व्यू जो कि बहुत प्यारा है। तो इस स्कूटी में आए हैं हम रोहित भाई के साथ। देखो चारों तरफ पहाड़ियाँ ही हैं। चलिए अब आपको मिलाते हैं हम अपने सुक्की बाजी से। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नैना टिक्कर, तो आते सफर में पहुंच गए हैं और थोड़ा सा सफर। और ये देखो हमारे दूसरे भाई यहाँ पे रुके हुए हैं, आए नहीं अभी। ओ यार, और ये देखो एक यहाँ पे खड़ी है अल्ट्रा HP 71, और भाई साहब कर रहे हैं टायर साहब। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं नैना टिक्कर, तो यहाँ पर एक दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं हम, चार बंदे। तो उतने देर दोस्तों पी लेते हैं चाय, चाय चू पी लेते हैं यहाँ पर, फिर आप बोलेंगे क्या ही बोले दोस्तों, चाय पीते हैं। आ जाओ, कहाँ पर पीनी है? तो ये देखो नैना टिक्कर की मार्केट, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है दोस्तों, काफ़ी दूर आ गया है घर से, तो भाई 60-70 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। चलो पीते हैं चाय दोस्तों, क्योंकि सुबह घर से निकल के ही चाय पी थी, तो उससे पहले कहीं चाय नहीं पी। यहाँ पे चाय पी लेते हैं, यहाँ पे होटल है देखो बहुत ही बढ़िया नैना टिक्कर में, और भाई साहब बैठे हैं उधर। तो पीते हैं चाय, फिर चलते हैं अपने भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और ये हमारे प्रताप भाई भी आ गए अभी, तो इनका भी चैनल है भाई, तो इन्हें भी आपने सपोर्ट करना है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इनका है नाम या ये जैसा है, क्या नाम है? साईं ब्लॉग्स। साईं ब्लॉग्स, तो ये भी भाई बहुत ही ख़तरनाक वीडियो बनाते हैं, देख लेना, लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीते हैं दोस्तों फटाफट से चाय, फिर निकलते आगे अपने सफ़र में। तो दोस्तों चाय चूँ हमने पी ली है, अब चलते हैं आगे को, और हमारे सुरेंद्र भाई भी आ गए हैं। हेलो सबको नमस्कार, जय हिंद। तो इनका भी चैनल है, इनका चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब चलते हैं अपनी सफ़र की ओर। आज हम दोस्तों जा रहे हैं स्कूटी में, आज ट्रक नहीं है भाई, आपके भाई के पास ट्रक छोड़ दिया हमने नालागढ़ में ही, तो आज जा रहे हैं स्कूटी में। आधा सफ़र हमने बस में किया, आधा स्कूटी में, और शाम को देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। चलो दोस्तों तो चलते हैं अब आगे की ओर। तो ये आ गई है श्री पोंटा साहिब हाईवे, और ये दिखा देते हैं आपको छोटी सी मार्केट जाते जाते। ऊपर से आ गई कमेंट, ये बड़ू साहब को क्या रोड? अच्छा बड़ू साहब के लिए, बड़ू साहब को। अच्छा अच्छा, ये आ गई राजता बस। और देखो ये नैना टिक्कर, ये देखो भाई नैना टिक्कर में भी ब्रेकर है दोस्तों, क्या ही बोले दोस्तों। और बाहर पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही प्यारी है और बहुत शानदार। काफ़ी सारे चील के पेड़ है दोस्तों यहाँ पर, ये सारे चील ही चील है।
कहीं धूप है कहीं छाया है दोस्तों, देख सकते हैं छाया में आ गया, ये धूप लगी हुई यहाँ पे देख सकते हो, पेड़ काट के यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये सारा जाएगा लक्कड़ डिपो में नीचे बद्दी में। देखते रहो दोस्तों क्योंकि बहुत ही प्यारा है, और हमारे रोहित भाई भी बना रहे हैं वीडियो, गुरु कृपा वैष्णो भोजनालय। दोस्तों भाई स्कूटी में चलते तो भाई बहुत ठंड लग रही है भाई, इतना ठंड है क्या ही बोले दोस्तों। तो अब मैं बैग से बैग लेके आया हूँ, तो इसमें से निकालता हूँ स्वेटर और लगा लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको आगे का व्यू। भाई इतनी ठंड में इतनी मेहनत कर रहे हैं यार भाई, तो लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा भाई, इतने ठंड में जा रहे हैं स्कूटरी में भाई। और यहाँ पे बिल्कुल छाँव है, कहीं धूप है, बस बहुत बुरे हाल है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो मैं फटाफट से लगा लेता हूँ स्वेटर, तो फिर करते हैं आपसे बात। तो दोस्तों स्वेटर ली पहन, देखो तो ऊपर से जैकेट जी लगा ली है, क्योंकि ये जैकेट तो भाई 100 पीस ही, इससे ठंड ठुंड रुकती नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी दोस्तों, तो पहन लिया जैकेट। अब चलते हैं आगे को भाई, काफ़ी लेट हो गए, 4 बजने वाले हैं दोस्तों, देखते हैं फटाफट चलते हैं और वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और ये है दोस्तों बांध के पेड़, ये बहुत ही मजबूत होते हैं दोस्तों, और इनकी लकड़ी होती है ना जो उनका कोयला होता है ना, बहुत ही शानदार रहता है, देख सकते हैं। इधर को बांध के जंगल है काफ़ी, और चील भी है साथ में देख सकते हैं। और यहाँ पर रुके थोड़े हम स्वेटर स्वेटर लगाने के लिए, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर के करीब पहुंच गए हैं, तो ये हमने हाईवे छोड़ना है, तो यहाँ से जा रहा है लिंक रोड, और यहाँ पर मंदिर का लिखा हुआ देखो दिखाता हूँ आपको। और हमारे 3 साथी चले गए हैं आगे, उनके पास बाइक है, वो बाइक में फटाफट भाग गए भाई, हम चले हैं मज़े से वीडियो शूट करते करते। और ये देखो जी ये लिखा है भूरसेवर महादेव मंदिर, तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं फटाफट से। ये देखो मंदिर का लोगो, तो ये जा रहा है कच्चा रोड दोस्तों, तो इधर से जाना पड़ेगा। तो ये रोहित भाई भी बना रहे हैं वीडियो, और ये है पानवा गांव। और ये देखो राइडर जा रहे हैं, देखो मोटरसाइकिल लेकर बुलेट लेकर, तो यहां से जाएंगे दोस्तों अभी हम कच्चे रोड पर, तो देख सकते हैं लोकेशन, जब भी आप आओ कभी तो यहाँ से मुड़ना है। और ये बोर्ड है देखो पानवा गांव है दोस्तों, तो बोर्ड भी लगा देखो साइन बोर्ड पानवा का, तो यहां से जाना है। और नीचे को देख सकते हो आप पार्क को गांव, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। हां चलो सर चलो, हां बहुत प्यारी जगह। और दोस्तों देख सकते हो पूरा लिंक रोड है, और एक काम चला हुआ है रोड का, लॉकडाउन नहीं लगता दोस्तों तो ये पक्का हो जाता अभी तक रोड। और काफ़ी आते देखो ये 4 नंबर अभी आए हुए, देखो बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे भोलेनाथ जी के, बहुत दूर दूर से आते हैं इधर दर्शन करने के लिए। और दोस्तों हम अपनी मंजिल में पहुँच ही गए हैं, देखो लोग आए हुए, देखो कारें यहाँ पर खड़ी खड़ी हुई पार्किंग, देख सकते हो कारें लगी हुई हैं यहाँ पर, काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जी के। ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ पर आ रहे थे हम भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो मंदिर जाने से पहले आपको यहाँ का थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। और यहाँ पर धूप लगी हुई है भाई बहुत ही प्यारी, क्योंकि स्कूटी में भाई ठंड में अकड़ गए थे, तो थोड़ा धूप भी लग जाएगी शरीर को, और आपको व्यू भी दिखा देंगे। और मंदिर है देखो सामने, देखो पार पहाड़ी पर, तो दिखाते हैं आपको, यहाँ से हरियाणा भी दिखता है भाई नीचे, तो दिखाएंगे आपको अभी, काफ़ी प्यारे प्यारे पहाड़ है दोस्तों, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। ओहो नीचे को तो भाई डर ही लगता है, चलो आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो नीचे कितनी गहरी खाई है, तो नीचे गांव बसे हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए दोस्तों यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए।
और ये रोहित भाई भी लगे हुए हैं भाई वीडियो शूट करने में। वो देखो कार भाई चढ़ नहीं रही, देखो पार, देखो सेल्फी ले रहे हैं। नीचे को तो भाई बहुत ही खतरनाक है, देख सकते हैं दोस्तों, बंदा गिर जाए तो समझो नीचे पहुंचेगा गांव में जाकर। नीचे झाड़ियां बहुत है भाई। वो देखो मंदिर, देखो वहां पर है ऊपर, अभी जाएंगे वहां पर, तो आप वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चलो दिखाते हैं आपको, और वहां पर देखो पानी का टैंक बना हुआ है, और इधर को भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों। और देख सकते पार को भी, गांव है देखो, गांव ही गांव है देखो। देखो भाई यहाँ से भी भाई नीचे को तो चक्कर ही आते देख के दोस्तों, हवा चली हुई है तो डर लगता है कि ना गिर जाए, बहुत तेज हवा है। देख सकते हो बहुत ही प्यारी पहाड़ी है दोस्तों, ये देखो पत्थर के ऊपर पत्थर टिकाए हुए जैसे, है ना, रख के करे हो ना, सही है। दोस्तों अब जाते हैं पहाड़ी के पार, तो उधर से भी आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू जो कि बहुत ही प्यारा है भाई। नीचे को देख के तो भाई आँखें चकरा जाती है यार। वो देखो नीचे को भाई बहुत ही गहरी खाई है दोस्तों। और भाई रोहित भाई भी कर रहे हैं वीडियो शूट, तो ये तो भाई हमारे भाई पहले भी आए हुए इधर, तो इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से इनको आप सब्सक्राइब कर देना भाई, और फुल सपोर्ट करना है बड़े भाई को। तो जो हमारे एरिया में जितने भी मंदिर है हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में, तो सारे जगह के इन्होंने ब्लॉग डाल रखे अपने चैनल में, तो भी जाते हैं उधर मंदिर में बाद में जाएंगे। तो यहाँ से दिखा देते हैं आपको पहला व्यू, और रोहित भाई भी चले हैं पीछे भाई। मज़ा आ जाता है रोहित भाई आके, अंदर बहुत मस्त, मेरा तो बहुत मन लगता है यार यहाँ पर ना, मन तो लगता ही है। जगह भी बहुत प्यारी है ना, आप लोगों के साथ यहाँ पर आने का लिखा था कि हाँ भी फैमिली के साथ भी यहाँ पर आना है, सही बात है ना। वैसे मैं फैमिली के साथ भी सोचा था यहाँ पर आने की, मगर बना ही नहीं प्रोग्राम, उससे पहले देखो आप लोगों के साथ बन गया यहाँ। मेरी तो बहुत इच्छा थी जब से आपकी वीडियो देखी ना मैंने, मैंने कहा जगह बहुत प्यारी है। अरे बहुत औसम जगह है, ऊपर की कहानी भी है यहाँ की ना। कहा जाता है कि यहाँ ऊपर एक कलश है मंदिर के पीछे ना, पत्थर का बनाया हुआ, उसमें दूध डालते हैं, और यहाँ पर नीचे एक मंदिर है, नीचे है वो, वहाँ पर निकलता है वो, निकलता जाके यहाँ नीचे को, वो कहाँ जैसे जगह नीचे होगी वो भाई, नीचे को देखे नहीं जाता है यार रोज भाई, बहुत ही ज्यादा डर लगता है नीचे देख। वहाँ पर नीचे मंदिर ना वो। चलो दोस्तों आपको दिखाते हैं वो मंदिर जहाँ पर दूध निकलता है, छोटा सा मंदिर, पार मंदिर पे दूध चढ़ाया जाता है और जाके दूध निकलता है वहाँ पर। देखो दोस्तों वो छोटा सा मंदिर है वहाँ पर, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको सफ़ेद सफ़ेद। तो भाई हम तो फ़ोन से ही शूट करते, तो DSLR होता तो दोस्तों आपको बहुत ही मज़ेदार व्यू देखने को मिलता। तो धीरे धीरे लेंगे दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, तो कैमरा भी ले लेंगे तो ताकि आपको अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिले। और महाभारत का युद्ध देखा था, चलिए आपको ऊपर चलकर भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले हम यहाँ के आपको नज़ारे दिखा देते हैं, ठीक है। और ये देखो मेरे साथ में है सुखी भाई, है ना, और प्रताप भाई चले गए हैं आगे, अभी हम शायद उनको पाली पहाड़ी पर जाने को तो डर लग रहा है रोहित भाई, यहाँ से नीचे कौन, अरे जाते हैं लोग यार वहाँ पर बैठते हैं, चले जाते हैं वहाँ पे भाई, अपना तो दिल है नहीं जिग रहा इतना पंगे लेने ऐसे नहीं। और देख सकते हैं नीचे को भाई, बड़ी गहरी गहरी खाई है दोस्तों। और यहाँ की स्टोरी है आपको बताएंगे रोहित भाई, तो अभी ये वीडियो शूट करें उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ की क्या स्टोरी है। तो रोहित भाई बताइएगा आप, है ना, पार को भी गांव है दोस्तों, बहुत ही प्यारा गांव है। आज की बढ़िया है, धुंध भी नहीं आ जाए ना, हाँ पैदल वाला रास्ता हो ना, हाँ हाँ धुंध वाला
वहाँ से वो नीचे वाली शेड है ना, वहाँ नीचे से आना पड़ता है पैदल वाले रास्ते से ना, और कसम से ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में है यार। नहीं यार, ऐसा फील होता है उस टाइम तो जब मैं आया था। अच्छा। ना धुंध भी थी, ऐसा कदम दूसरे कदम पे ऐसा लगता है आगे जमीन नहीं दिखती है, इतना प्यारा व्यूज आता है यहाँ पर। चले फिर दर्शन करने भोलेनाथ जी के। चलो चलो आगे चलते हैं, प्रताप भाई से मिलते हैं ना। हाँ। और इस पेड़ का क्या नाम है रोहित भाई? देवदार। ये देवदार का पेड़ देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारे पेड़ होते हैं इस देवदार के। और भाई साथ में है चील के पेड़ देख सकते हैं आप लोग। और देखो लोग आए हुए इधर भाई दूर दूर से, तो फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। चलो दोस्तों अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं मंदिर की ओर, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं मंदिर के दर्शन। पत्थरों के घर बना है संसार पता नहीं किस वेले, और टूट जाने तुणक दी तार पता नहीं किस वेले। क्या बात है, क्या बात है रोहित भाई, है ना, मजे आ गए। तो दोस्तों अब चलते हैं दर्शन करने सीधे ही, ताकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, नहीं तो दो पार्ट में डाल देना। दो पार्ट में नहीं, नहीं एक ही पार्ट में, हम तो पार्ट वन पार्ट टू ही बना लेंगे। नहीं है ना, काफी लंबी हो जाएगी। 15 मिनट की एक बार डाल दे, 20 मिनट की एक बार डाल दे, सही बात है। पार्ट वन पार्ट टू में अकेले मंदिर की डाल दिया ना। चलो दोस्तों चलते हैं, पहाड़ी भाई बहुत ही जबरदस्त है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर भोलेनाथ जी और पार्वती जी ने महाभारत की लड़ाई यहीं पर बैठकर देखी थी, तो ऐसे ऐसे बताते हैं। मौसम होता है ना कि अगर यहाँ पर बारिश हो रही है ना, तो जहाँ पर रोड आया हुआ वहाँ पर बारिश नहीं होती। अच्छा, ऐसा मौसम हो जाता है। दिवाली से पहले का है, मगर वो दिवाली से पहले का यहाँ पर ऐसे ऐसे मौसम हो जाता है। बहुत प्यारा लगता है दिवाली से पहले का, धुंध छाई भी होती है चारों साइड ना। देखो नीचे ग्राउंड, ओ देखो भाई दोस्तों नीचे ग्राउंड। चलो आपको जाते वक्त बैक कैमरे से दिखा देंगे। तो बाकी आप जो बता रहे थे स्टोरी, वो क्या स्टोरी है? हैं? वो मेला यहाँ से, वो लड़ाई यहाँ से देखी थी? हाँ यहीं से देखी थी, महाभारत की है। महाभारत की तो भाई, महाभारत का जितना भी युद्ध हुआ था। अच्छा, वो यहीं से देखा था भोलेनाथ और माता पार्वती ने बैठ कर। और बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों। दो देव हैं ये, बृजेश्वर महादेव और चुड़ेश्वर महादेव। अच्छा। जो गिरी नदी से पार को है वो है चुड़ेश्वर महादेव, और गिरी नदी से इधर को है वो है बृजेश्वर महादेव। दो धार है यहाँ पर हिमाचल की। ये है दोस्तों मेन गेट, यहाँ से जाएंगे हम अंदर को। अच्छा, आप तो जब आए थे पहले वो उधर से आए थे ना? नहीं नहीं, मैं आया तो इधर से था, मैंने दिखाया था वो उधर से है ना। हाँ, वो नीचे को ग्राउंड भी है दोस्तों, क्रिकेट खेलते हैं लोग वहाँ पर। दोस्तों जब भंडारा लगाते हैं तो यहाँ पर है खाना, यहाँ पर बनाते हैं भंडारा। देखो रसोई घर ये है यहाँ का, और ये पानी की टंकी है यहाँ पर रखी हुई है, और बाहर का व्यू जो कि बहुत ही प्यारा है। और पेड़ देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारे लग रहे ऊपर भाई, धूप लगी हुई है पेड़ के ऊपर, नीचे छाँव है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और ये पौड़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है दोस्तों, रास्ता उधर से है मेन रास्ता तो। और देखो भाई काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और बाहर का व्यू है देखो कुछ इस प्रकार से, कथा मंडल तो यहाँ पर कथा होती है, तो इसके अंदर होती है कथा। तो बारिश में भाई बचने के लिए शेड भी लगाए हुए हैं यहाँ पर। काफ़ी दूर दूर से आए हुए दोस्तों दर्शन करने के लिए यहाँ पर भोलेनाथ जी के। मंदिर के गेट के पास पहुंच गए, यहाँ से पीछे से जा रहा है रास्ता मंदिर के लिए, दर्शन के लिए। तो अभी यहाँ से भी दिखाते हैं बाहर का व्यू आपको। तो वो तो अंदर चलेगी मंदिर में यार दर्शन करने, तो यहाँ से दिखा देते थोड़ा सा बाहर का व्यू। ये देखो लिखा हुआ यहाँ पे ओम नमः शिवाय,
तो अभी हम कुछ देर पहले वो सामने पहाड़ी पर थे दोस्तों, तो अब आ गए हैं इधर। तो ये साथ में ऊपर को मंदिर, तो ये है मुख्य द्वार दोस्तों। तो यहाँ से जाना पड़ता है ऊपर को, तो इधर को भी है, पहले इधर जाना पड़ता है। रोहित भाई जा रहे हैं इधर, और यहाँ पे हमारे नंदी देव जी। तो अब दोस्तों चलते हैं अंदर को, तो अब चलते हैं दर्शन करने के लिए, तो आपको भी दर्शन कराते हैं। तो अब अंदर गेट से अंदर हो गए हम, तो चलते हैं दर्शन करते हैं फटाफट से। तो ये है सीढ़ियाँ दोस्तों, तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ेगा ऊपर, जहाँ पर अभी हम जाएंगे, है ना। और ऊपर चलकर आपको दिखाते हैं, देखो दर्शन करवाते हैं। भैरवनाथ जी भी दर्शन करके आ गए, देखो ऊपर हमारे प्रताप भाई तो ऊपर पहले पहुंच चुके हैं। तो हमारे साथी दोस्त पहले ही ऊपर पहुंच गए हैं दर्शन करने के लिए। तो हम काफ़ी लेट हो गए, रोहित भाई रूम में मज़े से आ रहे हैं शूट करते करते। और देख सकते हैं मंदिर में पहुंच गए हैं। तो ये है कथा मुश्री महादेव की, समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर है बनाया गया ये मंदिर। करे आप दर्शन, चले फिर अंदर। इधर चलते हैं, आपको मंदिर का बैक एरिया दिखा देते हैं। इधर से तो भाई दरवाजा लगाया, लेट तो हो ही गया। नहीं फूल लगे हुए दोस्तों, देखो बहुत ही प्यारे। अच्छा मतलब यहाँ सिक्के चढ़ाएंगे तो नीचे निकलने हैं। हाँ, पहले निकले थे शक्ति है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत आते हैं। अभी हम पीछे गए तो हम कम से कम भी यहाँ 3 घंटे बैठे। ये हमारे सुरेंद्र भाई और ये हमारे साईं ब्लॉक जी बैठे हुए, देखो भाई नगारे भी रखे हैं भाई, काफ़ी टाइम बाद देखने को मिला। तो इस इन चीज़ों को लोग भूलते ही जा रहे हैं दोस्तों। इनका सबका लिंक डाल देना एक दूसरे के, सभी का जो है लिंक जो है आपको मिल जाएगा। एक दूसरे जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय, एक दूसरे का लिंक डाल देना। इनको बोलते हैं ढोल नगाड़े, ढोल
दोनों हाथ से बजाने पड़ते हैं, तो मैं बना दोस्तों। अंदर से हमने भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए, तो अब दिखाते हैं मंदिर के आसपास का व्यू। तो दोस्तों देख सकते हैं मंदिर के बाहर से कुछ इस प्रकार से है व्यू। तो भाई बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं दोस्तों, देख सकते हो, और नीचे को गहरी खाई, और ये है मंदिर का बैक साइड। तो यहाँ पर लिखा भी है कुछ, कृपया शिला पर जाने का प्रयास ना करें। और यहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाया हुआ है लोगों ने, और नीचे को देख सकते हैं आप भाई, बहुत ही गहरी खाई है दोस्तों। तो आज हम सारे भाई आए हुए हैं, जितने भी हमारे YouTube फैमिली मेंबर हैं, तो सारे आए हुए हैं भाई, हमारे बड़े भाई। और ये यहाँ पर भी भाई देखो, धूप लगाया हुआ है। कैसे दूध डालते थे, दूध डालते थे इसमें ना पहले, है और एक यहाँ पर नीचे लेकर जाता था देखो। तो दोस्तों पहले यहाँ पर धूप दूध डालते थे, दिवाली से एक दिन पहले यहाँ दूध चढ़ता है ना, दिवाली से एक दिन पहले यहाँ पर दूध चढ़ता है, दिवाली के एक दिन दसवें दिन दिवाली के 10 दिन बाद अभी होएगा, अभी होएगा है। अच्छा अच्छा, उसके जो है 10वें दिन यहाँ प्रोग्राम होगा, और 11वें दिन जो है यहाँ नृत्य जो देवता जी है वो गुरु से महादेव करेंगे। अच्छा अच्छा, और परम्परा ये है कि यहाँ जो ना बहन भाई जो है उनका मिलन होता है उस दिन, तो जो बहन भाई जो थे ना जो कभी, उनका मिलन होता है यहाँ पर दिवाली का, मतलब 11वें दिन जो है, ये परम्परा है। आजकल जो है देखने को यहाँ पर, मतलब दिवाली से जो 10वें दिन बता रहे हैं ना, 11वें दिन ना, हाँ। जो यहाँ पर वो होता है परंपरा का, जो जो परंपरा जो निभाई जाती है वो दो, उसमें मतलब यहाँ पर देसी घी डाला जाता है पूरी, हाँ, शिला के ऊपर ना, हाँ, तो इसके ऊपर पुजारी वो पुजारी जो है उनको, हाँ, जब सवारी खेल आती है, हवा आती है उनको, बिल्कुल, तो यहाँ पर बिल्कुल ना घी से, मतलब घी से ही तर हो। और कहा जाता है, कहते कि अगर उस समय यहाँ पर इस पे पत्थर के ऊपर पैसे गिरे जाए ना घी, हाँ, के ऊपर अगर वो अटक जाए, हाँ, तो 101% उसकी वो मुराद पूरी होती है। चलो वो चिपके तो है सिक्के है ना, हाँ, ये तो वैसे गिरे हुए ना लोगों ने, ये दिवाली से जो 11वें दिन जो अगर गिरा जाए उस दिन, अगर गिरा जाए तो मतलब यहाँ से फेंकेंगे सिक्का ना, यहाँ से जो टिक गया होता है उस दिन यहाँ पर, अच्छा अच्छा, जो टिक गया सिक्का समझ लो उसकी मुराद पूरी हो गई है ना, वो 101% पूरी होगी, 110% पूरी होगी। देखना आराम से सुरेंद्र भाई, तो ये हमारे सुरेंद्र भाई दिख नहीं रहे यार आप, तो ये सुरेंद्र भाई है भाई, तो इनका भी चैनल है, तो इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इन्हें सब्सक्राइब करिएगा और फुल सपोर्ट करिएगा अपने बड़े भाई को। तो दोस्तों वो पार सामने चायल का टिब्बा, इधर को देखो, इधर को कसौली, और ये पहाड़ी के सामने है चंडीगढ़, और इधर को भाई कुरुक्षेत्र का वो है, पर दिख नहीं रहा दोस्तों भी, और ये जो नीचे वो वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा आपको, तो ये हरियाणा में आता है दोस्तों, ये हरियाणा की बाउंड्री है। दर्शन हमने कर लिए है, अब चलते हैं घर की तरफ वापिस। ठंड जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है ना भाई, मैं तो रास्ते में ना हमारे को स्कूटी रोक के ना फिर भाई स्वेटर डालना पड़ा, वो तो शुक्र है मैं बैग में डाल के लेके आया था, नहीं तो भाई बहुत ही। तो दोस्तों दर्शन दुर्शन हमने सब कर लिए है, अब चलने का वक्त हो गया घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं और 6 बज गए हैं भाई यहाँ पर। तो ये सारे भाई हमारे प्रसाद लेकर आए हैं, सुरेंद्र भाई जी, लो भाई पाजी, हाँ जी पाजी, प्रसाद प्रसाद यार कोई लिफाफे में ले आ दो, मैंने उस पर तो घर में दे दूँगा, इसमें है नहीं कुछ ना चलो। फिर प्रसाद लेके आए हुए हैं, तो इसके बाद पीते हैं दोस्तों चाय, फिर चलते हैं घर की ओर। दोस्तों दर्शन दुर्शन करके हो गए फ्री हम,
तो अब जाते जाते पी लेते हैं चाय दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है, तो चाय है भाई पी लेते हैं। और यहाँ पर भाई जैकेट स्वेटर लेकर ही आए, क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो अब पी लेते हैं चाय। तो आपको तो पता ही है पाजी, आपका जब कहीं भी जाए तो चाय पीता ही पीता। हम पी लेते हैं चाय थोड़ी सी, फिर आगे चाय बन रही है। चाय पहले चाहिए, चाय तो भाई चाहिए भाई, पब्लिक को पता है चाय के बगैर उस्ताद जी चलते नहीं ना। कैमरा का शीशा साफ करो, थोड़ा धुंधली आ रही है। तो ये ना जिनका फोन की दुकान पर ठीक आएगी। रास्ते में नदी नदी है कहीं पर है ना, नलाना है फोन को सुखी हुई। आपको नहीं पड़ी थी कहीं वहां डालना था फोन ना ये ना ना पाजी भाई। जब तक फोन ये नदी में नहीं ना जाएगा तब तक नया फोन नहीं आएगा। तब तक नया फोन नहीं आएगा जब तक ये नदी में नहीं जाएगा। तो नदी तो आई थी मेरे को, नदी क्रॉस करके डाल देना था ना उसमें। फिर आज का ब्लॉग मेरा शुरू नदी से है, तो बस फिर तभी आएगा नया फोन। गिरने दी ना, गिरी गंगा। चलो दोस्तों पी लेते हैं चाय, फिर करते बात आपसे। यहाँ से नहीं गिरा भाई कोई, यहाँ से वो लड़की ही गिरी। देख सकते हैं नीचे पहाड़ी का व्यू देख सकते हैं। ओहो भाई यहाँ से तो हर कुछ जन्नत है भाई, जन्नत तो रोहित भाई है, है मजे यार। यहाँ से तो हर कुछ व्यू है यार, है ना, मानते फिर बात। तभी तो आए हम यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने पहली वाली वीडियो डाली थी ना तब नहीं था यहाँ, तब यहाँ पर चारों साइड धुंध थी। हाँ मैं भी आज जिस टाइम पीछे तब भी धुंध थी, कुछ नहीं दिखा मेरे को। वो वाला टाइम होता है सबसे अच्छा जन्नत का ना, तो मेरे तो अच्छा टांगे कांपनी ने रोहित भाई, नीचे को डर लगता है देख के नीचे को भाई। सब ना यहाँ तो आगदार वाला रास्ता जहाँ से लोग, और ये हमारे सुरेंद्र भाई जी का गाँव है नीचे को। देखो यहाँ पे भी नीचे छोटा सा गाँव है, यहाँ से ना हो नहीं ना छुट्टे के सेल्फ स्टिक से। और पार देख सकते हैं पहाड़ियाँ भाई, चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ी। कौन सा सनसेट, जो सूर्य छुपते हैं, बहुत ही साफ क्लियर दिख रहा है। बहुत ही साफ भाई, पत्थर तो ऐसे लग रहे हैं यहाँ पर जैसे कि एक के ऊपर एक रख के कर रहे हैं यहाँ पर पत्थर। वाकई है ना, सही बात है। अरे तो दोस्तों 6 बजने वाले हैं, तो चाय पकोड़े खाते खाते दोस्तों 1 घंटा हो गया। और पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने थे दोस्तों यहाँ पर, चाय पकोड़े मजा आ गया खाकर। मतलब हम 5 बंदे आधा किलो पकोड़े खा गए, और चटनी तो दोस्तों क्या ही बोले दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार चटनी थी, मज़ा आ गया भाई। तो आप जब भी आए इधर दर्शन करने के लिए तो भाई चाय पकोड़े का आनंद ज़रूर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब घर की ओर निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, क्योंकि बहुत लेट हो गए, मुझे तो बस भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ठंड बहुत है और हवा बहुत ही तेज़ चल रही है, तो इसलिए मैंने बांध लिया है भाई सिर में परना, क्योंकि कानों में भाई ठंड लगती है ना तो भाई बहुत बुरे हाल होते हैं। और हेलमेट भी आना चाहिए, परना तो बांध लिया आपने। हेलमेट यही हेलमेट हो गया, चलाना ना आगे। चलो पहन लूँगा इसको मैं। अच्छा जी, अब हेलमेट का भी पंगा है दोस्तों, क्या ही बोले दोस्तों, ये हेलमेट भी लगाना पड़ेगा भाई, नहीं तो चलान रात को तो नहीं होते रोहित भाई ऐसे। क्यों नहीं होते भाई जी, होते भाई जी। और क्या, 16 ने बोले हैं। चलान का ही तो मेन पंगा है यहाँ पर। अच्छा हाँ, टूरिस्ट प्लेस है ना ज्यादा ना, टूरिस्ट प्लेस है हमारा सोलन में, तो बहुत चलान होते हैं वैसे भी। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ऐसे भी इसने तो कान ढक देने हैं हेलमेट ने। तो हमारे साथी लोग आए नहीं ना अभी, कहाँ गए हो? तो रोहित भाई ने स्कूटी कर दी है स्टार्ट, देख सकते हैं। और चलेंगे भाई स्कूटी में तो भाई बहुत ही बुरे हाल हो जाते हैं। चलो भाई परना निकाल देते हैं कानपट्टी से, भाई चलान नहीं करवाना हमने। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं सोलन, तो प्रताप भाई तो रह गए पीछे। तो ये राजगढ़ रोड है, वो तो देखते हैं 7:45 हो गए हैं, तो भाई 7:30 बजे निकल जाती है बस, 10-15 मिनट लेट हो गए। देखते कुछ मिल जाए लुक लुक, नहीं तो टैक्सी बुलानी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे है बर्गर, बर्गर खाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर बन रहे हैं देखो बर्गर, तो बर्गर खाते हैं भाई यहाँ पर। थोड़ा सा ठंड से बुरे हाल है भाई। ये आगे दोस्तों हमारे बर्गर देख सकते हैं आप। और दोस्तों फाइनली बस मिल गई है, और बस है पूरी खाली, 2 सवारियाँ हैं उसमें, 4 ही बंदे, एक ड्राइवर कनेक्टर और एक भाई बैठे हुए आके। और मैं
बाकी सारी बसें खाली है। दोस्तों ये चलेगी वो बस जिसमें मैं आया था दोस्तों अभी, तो पूरी खाली पड़ी है बस। तो मैंने यहीं से देखो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना सामने, यहीं से नीचे को जाना है। और ये मेरा गांव देखो, और ये साथ में है फिल्टर हाउस, वो देख सकते हैं रात को ऐसा दिखता है हमारा गांव। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 9, तो मम्मी बना रहे हैं खाना अभी। तो आज बनाया है घिया और रोटी। तो दोस्तों आज काफ़ी थक गए यार, बहुत स्कूटी में गए थे सोलन से, मतलब 40 किलोमीटर दूर, भाई बहुत बुरे हाल हो गए, ठंड बहुत रची करी है। और छोटा भाई गया है 100, तो उठ जाएगा अभी। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल।